गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। जल्दी ढूंढो से गुटखेबाज अपने आप को सिलेंडर कर दे वरना हम तेरी गांड मार देंगे। सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ सॉरी गोली मार देंगे। अरे ये कौन आ रहा है? अरे पुलिस दया उससे बहुत गड़बड़ गया दया के दया तुझे दया अब कहीं कंप्लेंट नहीं लिखेंगे दया। और सर केस का क्या करेंगे? केस गई गांड मराने। सर सर गुटखा भाई के खिलाफ इतना कंप्लेंट आ रहा है क्यों कुछ नहीं कर रहे हो आप? देखिए इन्वेस्टिगेशन चालू है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। आप टेंशन मत लो जल्दी पकड़ेंगे केस नहीं। सर 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 क्या आप गुटखा भाई से एक्शन लेने से डरते हो क्या? वो स्टूडियो के किसने काम में डरता हूँ तो पता है वो कौन है? ड्रग्स डीलर से भी बहुत भयंकर है। अगर ऐसा है तो आप सीधा सीधा बोल दो कि गुटखा भाई से आप डरते हो। किसने कहा मैं डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता। सब चीज क्या थोड़ी ना खुलकर बता सकते हैं। अरे कोई नहीं है इधर गुटखा भाई से पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। गुटखा भाई क्या इतना बड़ा गुंडा थे? और नहीं तो क्या भाई गुंडा हो या मोबाइल हो सबका कुछ ना कुछ फ्लैशबैक होता है उसी तरह गुटखा भाई का भी है क्या? हाँ है ना जब गुटखा भाई 5 साल का बच्चा थे। गुटखा खा रहा हूँ नहीं है ये न भगवान का प्रसाद है मोदी से आया हुआ ले तू भी का चाहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद होना क्या था? उसके बाद ही तो शुरू हुआ असली गेम। जैसे चाय के साथ चीनी, गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड, जैसे चिपका चिपकी रहते हैं ना गुटखा भाई और गुटखा के साथ भी ऐसा चिपका चिपकी होने लगा। जैसे खाना अगर स्वाद ना लगे तो लोग यूज करते नमक पर वो यूज करता है गुटू का। जब चाय में शुगर कम पड़ जाए तब वो यूज करता है गुटू का। केक स्वादिष्ट ना लगे तब वो मिक्स करता है गुटू का। और ऐसे भी उसका रिंगटोन था अरे और बताओ ना गुटखा भाई के बारे में। अरे तुझे और क्या बताऊँ? रुक सुन जैसे हमारा बॉडी को थकान लगने से हमें चाहिए ग्लूकोज और उसे चाहिए वो सीढ़ी है वो किससे जीत गया? और गुटखा भाई के सामने गुटखा की कोई बेइज्जती करे तो गुटखा खाने से सेहत के लिए कितना हानिकारक है तुझे पता है? फिर भी हम खा रहे हैं। गुटखा कितना खराब चीज है तेरा जान भी ले सकता है।